हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम से बिजनेस लोन कैसे ले सकते हो आप। बिजनेस लोन दोस्तों, बिजनेस लोन का मतलब ये है कि जिनका दुकान या शॉप या होलसेल कोई भी बिजनेस हो, कपड़े की दुकान हो, किराने की दुकान हो, ऑल बिजनेस, ज्वेलरी की दुकान हो, कैसे भी बिजनेस होनी चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आपको पेटीएम बिजनेस लोन लेना है तो आपको तीन चार चीज जरूरी है। फर्स्ट, जीएसटी नंबर। सेकंड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। फोर्थ, आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका कोई भी करंट अकाउंट, वो भी पेटीएम बैंक में करंट अकाउंट होना जरूरी है। और उसके बाद आपको एक ITR होना ज़रूरी है आपका, जो इनकम प्रूफ दिखाए, आपको हर साल का इनकम प्रूफ दिखाए। ITR, इनकम टैक्स जो हम भरते हैं उसे ITR बोलते हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए साल भर का अच्छा स्टेटमेंट। उसके बाद आपको होना चाहिए सिबिल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद आपको पेटीएम बैंक से ही सारा ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, सारा लेन देन पेटीएम बैंक से ही करना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने से लेके 1 साल तक वो कंटिन्यूअस करते हो तो हो सकता है कि आपको पेटीएम बिजनेस लोन मिल सके। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी ट्राई किया था कि पेटीएम बिजनेस लोन के लिए, लेकिन वो नहीं मिलता है। वो कैसे नहीं मिलता, मैं आपको अपने वीडियो में बताता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम जो लोन का वादा कर रहा है, बिजनेस लोन का, वो मतलब देता है या नहीं देता होगा। ज़्यादा लोग को तो नहीं देता है, क्योंकि ये देखिए, ये बिजनेस लोन का ये है हमारे पास इनका। तो अगर मैं बिजनेस लोन पे इनके क्लिक करता हूँ, ये देखिए, देखते रहिए, बिजनेस लोन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या आता है ये देखिए। बिजनेस लोन कमिंग सुन। तो बिजनेस लोन के लिए दोस्तों, जो जो टर्म कंडीशन मैंने बताए हैं तो उसको फॉलो करो, 1 साल तक ट्रांजेक्शन करो। अगर उनको लगेगा कि इनका जीएसटी नंबर बराबर है, वेरीफाई कर लेंगे वो, क्योंकि उसके लिए वेरीफाई होता है आपका, आपका जीएसटी नंबर वेरीफाई होगा, आपका ITR इनकम टैक्स वो वेरीफाई होगा, आपका जो दुकान है वो वेरीफाई होगा। बंदा आके चेक करेगा दुकान है कि नहीं, और आपके जो दुकान के डॉक्यूमेंट होते हैं, गुमास्ता लाइसेंस या और भी उद्योग आधार, ये सब देख के आपको दो लोन दिया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि सभी बैंकों का यही रूल होता है, इस बैंक का भी यही रूल है। तो अगर आप लोन लेना है तो इस बैंक से भी ले सकते हो, बाकी अदर बैंक भी इसे जल्दी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप उनका अदर बैंक का देखा जाए तो अदर बैंक का ब्रांच भी है, और इस बैंक का तो ऑनलाइन ही सब कुछ है। तो इसके अदर बैंक के मुकाबले बिजनेस लोन जल्दी मिल जाता है अदर बैंक से। और इस बैंक में अभी तक तो मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है, क्योंकि मैं ऑल टाइम कम से कम 1 साल से 2 साल से 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो अभी कोई ऐसा बिजनेस लोन नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है, क्योंकि मैंने सारा मेरा करंट अकाउंट नहीं है, मैंने तो दूसरे बैंक में करंट अकाउंट खोल के रखा है। तो अगर आप करंट अकाउंट खोलते हैं और 3 4 टर्म कंडीशन कंप्लीट करते हैं तो हो सकता है आपको मिले। तो दोस्तों, आगे कोई सवाल रहे तो जरूर पूछना मुझसे।